नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम याद जो विज्ञान का परीक्षा होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बताएंगे। यह वही मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2011 से लेकर 2021 तक पूछा हुआ है। यह 10 साल का अगर एक बार क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपको 40 का ही उत्तर देना है। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो आपको पता होगा हीलियम जो है अक्रिय है। कैसा तत्व है? अक्रिय। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है 2:1, 2:1। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7 है, याद रखिएगा। सिलिका क्या है? सिलिका जो है उपधातु है। एक बार सिर्फ रिवाइज करते जाइए, ठीक, सिर्फ सुनिए आपको याद हो जाएगा, ऐसे तो आप लोग पहले याद ही किए होंगे। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 305 kg/mol, 305 kg/mol, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितनी होती है? 120 mm/Hg, 120 mm/Hg। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। किस में होते हैं? पत्ता में। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कृत्रिम वृक्ष अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, किसमें? नाइट्रोजन में। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकलन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बटा साइन आर, इसको क्वेश्चन बदल कर भी दे सकता है। स्नेल के नियम से गणितीय रूप क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सबको पता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक स्पेक्ट्रम में किस रंग के का किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। किस रंग का होता है? बैंगनी। एक स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी, यह भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, याद रखिएगा, R = V/I। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, दोनों होते हैं। यह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, सबको पता होगा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, इसको याद रखिएगा। ये 2011 के पूछे गए सारे 20 वस्तुनिष्ठ थे, अब 2012 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पाइरूवेट के द्विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी, ठीक, ऑप्शन के अनुसार होगा, ठीक, याद रखिएगा मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? फोकस पर। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 cm। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा, बताइए? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? V²I। ये ऑप्शन के अनुसार होगा, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, तो V²I जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो कितने समूह सहसंयोजक बंध होते हैं? 7 सहसंयोजक बंध होगा। कितना? 7, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3, इसको याद रखना है। कितनी होती है? 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। पराग कोष में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विकास के दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से। किससे? चिंपांजी से। अगला सवाल है आपका, मुकुलन द्वारा ओलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में। यह 2012 में पूछे गए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था, अब 2013 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल, इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा? जल से। किससे निकलता है? जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? बताइए, टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का होता है जो निम्न में से किससे निकलता है? लाइकेन से। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। जब सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है कौन सा उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा, यह जो बनता है Na2ZnO2+H2। ठीक, यही उत्पाद के रूप में बनता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान सबको पता है 7 होता है। यह क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 3:1। 3:1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। द्विखंडन होता है अमीबा में। किस में होते हैं? अमीबा में। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। कौन सा होता है? पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है किस में? फिलोपियन नलिका में। किस में होते हैं? फिलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है m = v/u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध है? f = r/2, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अब 2014 में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है
वह है रेटिना। ठीक, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होती है अनंत। ठीक, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? फेराडे ने। किसने किया था? फेराडे ने। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टिदोष। कैसा होता है? दूरदृष्टिदोष। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया। ऑप्शन के अनुसार आपको इसमें उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है 7 से अधिक? कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। कौन सा होता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आवंत पर पाए जाते हैं? 2। कितने आवंत पाए जाते हैं? 2। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। यह ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। ठीक, कवक में किस प्रकार के पोषण पाई जाती है? मृतजीवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। यह पहले भी बता चुके हैं। किसमें होते हैं? ईस्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अब घटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। या ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना है। चलिए अब 2015 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का प्रयोग होता है। ठीक, किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का। या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछा जा सकता है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो याद रखना है प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। परिपथ में विद्युत धारा की मान किससे मापी जाती है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल। यह क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। अगला सवाल है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है। K2SO4 जो है यह लवण है, K2SO4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 पहले भी बता चुके हैं। वन संपदा एक उदाहरण है लकड़ी का। ठीक, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह एकदम पूछा जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र पता होगा सबको, C12H22O11 होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, और ये ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आपको टिक कर लेना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले ही बता चुके हैं, मधुमेह। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन के अनुसार आपको मार देना है DDT। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक। ठीक, अगला सवाल देखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सबको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। 1 kW तुल्य है 3.6 × 10⁶ J। 3.6 × 10⁶ J। ठीक, इसको याद रखना है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक, याद रखिएगा वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है NA2CO3।
कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है CH से, किससे? CH से, ठीक, इसको याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, ठीक, ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है, तो CaCl2 होगा आंसर। अगले सवाल की ओर चलिए। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा यह हीलियम। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं, ठीक, चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। निम्नांकित में कौन सा ऑक्सीकारक है? O2। ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है, ऑक्सीकारक जो है O2 है, ठीक। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। किसमें बनते हैं? अवायवीय। किसमें अलैंगिक जनन मुकलन द्वारा होता है? ईस्ट में। किसमें होते हैं? ईस्ट में। ओजोन परत पाई जाती है, ठीक, समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में पाई जाते हैं। पराग कोष में पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है किसमें? आयोडीन की कमी से। किससे पनपता है? आयोडीन के कमी से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, या कई बार हम पहले भी बता चुके हैं। क्या होगा? डार्विन, ठीक। अगले सवाल की ओर चलिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटा I। अगला सवाल देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। किस प्रकार की? दिष्ट धारा। धारे बनाने में किस प्रकार के दर्पण? अवतल, ये कई बार बता चुके हैं। विभवांतर का SI मात्रक? वोल्ट। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम? दो। एक वोल्ट कहलाता है, एक जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी, सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। पीतल है उत्तर मिश्र धातु, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, ठीक, 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। अगले सवाल की ओर चलिए। पीतल उदाहरण है किसका? मिश्र धातु का। किसका है? मिश्र धातु का। NaOH क्या है बताइए? क्षार। NaOH क्या है? क्षार। नेक्स्ट सवाल है, पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। क्या होगा? ऑक्सिन। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। अगले सवाल की ओर चलिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र, इसको याद रखना है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहले भी बता चुके हैं, 2 नियम है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, सबको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। चालक का प्रतिरोध है तो दाब भी बढ़ता है। अगला सवाल है आपका, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। क्या है? सोडियम, इसको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, हमने सारे सवाल बता चुके हैं। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था 2011 से लेकर 2021 तक के। हम सारांश खाली लिए हैं, मोस्ट जो पूछा जा सकता है यही सब क्वेश्चन आपको दिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।